तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। ये जो वीडियो है मैं ऐसे ही बैठा बैठा अभी मैंने सोचा क्यों ना शूट कर लेता हूँ। यार बहुत से लोग बोल रहे थे कि सर आपने वीज़ा तो दिखाया है यूक्रेन का लेकिन आपने वर्क परमिट नहीं दिखाया है। तो भाई ये जो वीडियो है ये मैं अभी अपने घर से बैठ के शूट कर रहा हूँ और इसमें कुछ जो क्लिप है वो मैं जब डीएचएल ऑफिस गया था कुरियर करवाने के लिए तो मैंने कुछ पार्ट वहाँ पर भी शूट किया था। तो मैंने दोनों को जो है ऐड कर दिया एक साथ। इसके बाद की जो नेक्स्ट क्लिप होगी उसमें आप लोग देख सकते हो कि कैसे मैं यहाँ पे लोगों के वर्क परमिट निकलवाता भी हूँ और उसे इंडिया जो है डीएचएल भी करवाता हूँ। अगर आपको भी वीज़ा लगवाना है यूक्रेन से रिलेटेड, अगर आपके पास वर्क परमिट है और अगर आपको सिर्फ वीज़ा भी लगवाना है तो हम आपका 100% वीज़ा लगवा के देंगे, ठीक है। लेकिन मेरे चैनल पर जो बाकी की और भी वीडियोज़ हैं एक बार आप उन्हें भी देख लेना और उसके बाद आप डिसाइड करना आपने यूक्रेन आना है या नहीं आना है। बाकी वीज़ा से रिलेटेड मेरे चैनल पे ढेर सारे वीडियोस हैं, आप लोग देख सकते हो। वर्क परमिट मैंने कभी नहीं दिखाया है लेकिन आज मैं आपको दिखा रहा हूँ इससे जो नेक्स्ट क्लिप है उसमें कि वर्क परमिट भी मैंने अपनी कंपनी से, मेरी खुद की यहाँ पे कंपनी है, मैंने वर्क परमिट भी लोगों के इशू करवाए हैं और उन्हें किस तरह से मैंने इंडिया डीएचएल करवाया है, किस तरह कुरियर करवाया है, देखिए आप लोग नेक्स्ट क्लिप में। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना और अगर वीडियो सही लगी हो तो भैया आगे भी शेयर कर देना, अदरवाइज डिसलाइक का ऑप्शन भी है। दोस्तों जैसा कि अभी आप देख रहे हो मैं हूँ यहाँ पे डीएचएल में अभी इस वक्त यूक्रेन में और जस्ट मुझे वर्क परमिट मिले हैं मेरे क्लाइंट के। ये रहे लगभग 3 वर्क परमिट और ये रहा 4th वर्क परमिट। ये सारे जो है अभी मैं इंडिया कुरियर करा रहा हूँ और ये वीडियो मैं डीएचएल के अंदर से बना रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं कुछ क्लिप जो है इसमें अलग से ऐड करूँगा अपने घर पे बैठ करके और ये मैं डीएचएल से बना रहा हूँ ताकि लोगों को मैं ये दिखा रहा हूँ कि वर्क परमिट इस तरह आते हैं और इस तरह यूक्रेन से कुरियर करवाया जाता है। और फिर दिल्ली में हमारा ऑफिस भी है, अगर आपको वीज़ा वगैरह लगवाना है तो भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है गाइस। खैर चलिए अभी मैं जाता हूँ, ये डॉक्यूमेंट जो है मैं यहाँ से डीएचएल के थ्रू पहले इंडिया भेजता हूँ। और जिस दिन ये लोग क्लाइंट जितने भी मेरे हैं ये सारे जिस दिन इधर आएंगे तो आने के बाद भी इनके साथ मैं एक आपको इंटरव्यू लूँगा उनका, उन सबके साथ एक वीडियो बनाऊँगा। और गाइस अगर आपको भी यूक्रेन आना है तो वेलकम, और लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह की काम की श्योरिटी मेरी नहीं है। जो जितने भी बंदे आ रहे हैं इनका सिर्फ और सिर्फ मेरा पूरा जो है लीगल तरीके से यहाँ तक बुलाने का काम है, बाकी इसका सारा का सारा काम उनको खुद अपने आप ही करना पड़ेगा। तो गाइज आई होप कि इसमें जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है वो देख करके आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत से लोगों को डाउट होता है कि सर यार आप सिर्फ वीडियो बनाते हो, कभी आपने प्रूफ नहीं दिखाया है, तो ये प्रूफ मैंने उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली बनाया है। अगर आप यूक्रेन में स्टडी कर रहे हो और अगर आपको वर्क परमिट चाहिए तो भी आपको मैं वर्क परमिट प्रोवाइड करवा सकता हूँ। अगर आप यहाँ पर एज ए स्टूडेंट हो या किसी के वर्क परमिट पर और अगर कंपनी फॉर्मेशन करना है तब भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आप लोगों की बिल्कुल हेल्प करूँगा। अगर TRC से रिलेटेड किसी की TRC नहीं बन रही है, वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, लीगल तरह से अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन अगर कोई बंदा ये सोच के कॉन्टैक्ट करेगा कि भाई यहाँ से डोंकी लगवानी है या किसी भी तरह का कोई इलीगल काम करवाना है तो भाई मुझे कॉन्टैक्ट बिल्कुल मत करना, ना ही आप अपना टाइम वेस्ट करना और ना ही मेरा करना, ठीक है। कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो जो स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हो, ये नहीं कि धड़ाधड़ कॉल करना शुरू कर दिया। और यहाँ के और इंडिया के टाइम में ऑलमोस्ट 4-4.5 घंटे का फ़र्क है, इस चीज़ को थोड़ा माइंड में रखा करो यार। बंदे उठ जाते हैं इंडिया में मॉर्निंग में 10 बज रही होती है, 5:30 बजे यहाँ के 4 बजे, धड़ाधड़ कॉल पे कॉल आते रहते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना किया करो यार। मैं हर वीडियो में आप लोगों को बोलता हूँ, व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है आप उस पर एक मैसेज कर देना, जब भी मुझे टाइम मिलेगा आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू, ठीक है। तो गाइज मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना।